नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार को मिला 750 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बिहार में एमबीबीएस की 85% सीटों पर आज से एडमिशन प्रक्रिया शुरू। हथियान और नक्शे में नहीं दिखे नाम, तो इस फॉर्म में दर्ज कराए आपत्ति। खेल को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बनाया प्लान। टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली फिर से आई के शिकार। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को मिला 750 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खेल दिवस के मौके पर राजगीर में राज्य खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राजगीर में 90 एकड़ में बने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कई मायने में देश का एकमात्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर राज्य के कुल 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। बिहार में एमबीबीएस की 85% सीटों पर आज से एडमिशन प्रक्रिया शुरू। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों की 85% सीटों पर नामांकन के लिए आवंटन रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल नीट यूजी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल करने वाले छात्र आयुष को पीएमसीएच मिला है। बीएसईबी की ओर से जारी स्टेट रैंक में आयुष का पहला स्थान है। वही केंद्रीय कोटे से एम्स दिल्ली भी आयुष को मिला है। बीएसईबी के द्वारा जारी आवंटन रिजल्ट के अनुसार ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी रैंक 20 से 4,610 तक प्राप्त करने वाले छात्रों को पीएमसीएच मिल रहा है। इसके अलावा स्टेट रैंक 1 से 90 तक को पीएमसीएच और ऑल इंडिया जनरल रैंक 3,883 से 6,619 तक प्राप्त करने वाले छात्रों को आईजीएमएस मिल रहा है। एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू है और 2 सितंबर तक चलेगी और फ्री एग्जिट की सुविधा 3 से 4 सितंबर तक उपलब्ध होगी। बिहार बोर्ड ने विवास जून 2024 परीक्षा का डमी प्रवेश पत्र किया जारी। बिहार बोर्ड ने बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की जून 2024 परीक्षा के लिए डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संबंधित डमी प्रवेश पत्र उनकी वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए गए। परीक्षा समिति ने सूचित किया है कि छात्र 29 से 31 अगस्त के बीच ऑनलाइन त्रुटियों में सुधार कर सकते हैं। यदि कोई असुविधा हो तो विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा की तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। खतियान और नक्शे में नहीं दिखे नाम, तो इस फॉर्म में दर्ज कराएं आपत्ति। पटना जिले में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत अब तक 1,300 राजस्व गांव में ग्राम सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें से 342 गांव में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 12 सितंबर तक रैयतों को सर्वेक्षण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। हालांकि 41 गांव में असर्वेक्षित या टोपोलैंड के कारण सर्वेक्षण काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। वही 170 नगर निकाय क्षेत्रों में विशेष सर्वेक्षण लागू नहीं है। सर्वेक्षण के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख और मानचित्र प्रपत्र 20 तैयार किए जाएंगे, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से उपलब्ध रहेंगे। अगर रैयत इन दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों से असहमत हैं, तो वे अपनी आपत्तियां प्रपत्र 21 में भरकर बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष दायर कर सकते हैं। जिले के सभी 23 अंचलों में शिविर कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जहाँ आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर भी आवेदन किया जा सकता है। बिहार सरकार ने जल संसाधन विभाग के तहत पुलों और ढांचों के रखरखाव के लिए तैयार की 6 नई SOP। बिहार सरकार ने जल संसाधन विभाग के तहत पुलों और ढांचों के नियमित रखरखाव के लिए 6 SOP तैयार की है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को सिंचाई भवन सभागार में इन प्रक्रियाओं का विमोचन किया। मंत्री ने बताया कि नई SOP के तहत विभाग को अधिक प्रभावी तरीके से बाढ़ प्रबंधन, नहर सिंचाई और पुलों के रखरखाव में मदद मिलेगी। विजय चौधरी ने कहा कि इन मानक संचालन प्रक्रियाओं के लागू होने से बाढ़ से सुरक्षा और नहर सिंचाई कार्यों का क्रियान्वयन तेजी से होगा।
खेल को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बनाया प्लान। बिहार में खेलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के हर पंचायत में खेल क्लब बनाए जाएंगे और एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा जो स्थानीय स्तर पर खेलों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। राज्य सरकार की इस नई पहल के अनुसार बिहार के 154 नगर पंचायतों और 8000 ग्राम पंचायतों में खेल की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में विशेष खेलों की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जहां फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट जैसे खेलों की मांग अधिक होगी। वहीं छोटे छोटे मैदानों वाली पंचायतों में बैडमिंटन, वॉलीबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा इंडोर गेम्स और एथलेटिक्स के लिए भी उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी। बिहार में नए डीजीपी के नामों को लेकर सरगर्मी तेज। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें केंद्र में सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है। ऐसे में राज्य के नए डीजीपी कौन होंगे, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के नए डीजीपी पद के लिए 3 प्रमुख आईपीएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। पहले नाम की बात करें तो निगरानी विभाग के डीजी आलोक राज, जो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, इस रेस में शामिल हैं। इसके अलावा बिहार गृह रक्षा नौवाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं की डीजी शुभा उहटकर, जो 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, ये भी इस महत्वपूर्ण पद के लिए विचाराधीन हैं। और तीसरे नाम के तौर पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी और सीएमडी विनय कुमार, जो 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, संभावना है कि गुरुवार को नए डीजीपी का नाम तय हो जाएगा। नालंदा जिले में 30 अगस्त को जॉब कैंप का होगा आयोजन। बिहार के नालंदा जिले के युवाओं के लिए एक बेहद सुनहरा अवसर है। श्रम संयुक्त भवन में 30 अगस्त को एक जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में 2 प्रमुख कंपनियां 368 पदों पर भर्ती करने वाली है। जिला नियोजन पदाधिकारी अंकित राज ने बताया कि ये जॉब कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसमें 18 से 45 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। इस रोजगार मेले के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास से लेकर स्नातक तक रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को नालंदा जिले में ही काम करने का अवसर मिलेगा। उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने साथ फोटो और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर आएं। बिहार बीजेपी प्रमुख दिलीप जायसवाल को मिली वाई प्लस सिक्योरिटी। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को गृह मंत्रालय की ओर से वीआईपी सुरक्षा प्रदान की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर उन्हें वाई प्लस सुरक्षा मुहैया करवाई है। अब उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। हाल ही में बिहार बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है, जिसमें दिलीप जायसवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिलीप जायसवाल बिहार के खगड़िया जिले के निवासी हैं। वे पूर्णिया, अररिया और किशनगंज क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं और 20 साल तक बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। बिहार में मॉनसून की कमी, कई जिलों में 24% कम बारिश। मॉनसून का तीसरा महीना समाप्त होने जा रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा देखी गई है। हालांकि बिहार में स्थिति बहुत अलग है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून का असर बिहार में अपेक्षित स्तर पर नहीं रहा। बिहार में वर्षा की कमी अब 24% तक पहुँच चुकी है और कुछ जिलों में ये कमी 50% तक देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 5 सितंबर तक बिहार में हल्की फुल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है, लेकिन भारी बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रहा है। सितंबर के पहले पखवाड़े के बाद मानसून की विदाई मान ली जाती है, जिसमें बिहार में बारिश की उम्मीदें बहुत कम हो गई हैं। सिपाही बहाली परीक्षा में 59 गिरफ्तार, 67% रही उपस्थिति। सिपाही भर्ती परीक्षा के छठे और अंतिम चरण की परीक्षा में कदाचार के आरोप में 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि नालंदा में 3 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ के साथ परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, जबकि पूर्वी चंपारण, अररिया और कटिहार में 1-1 अभ्यर्थियों को दूसरी जगह परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने सभी जिलों में 545 केंद्रों पर एकल पाली में परीक्षा आयोजित की थी। 21,391 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में कुल 2,98,040 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया था।
जिनमें से 238,498 ने ई प्रवेश पत्र डाउनलोड किया। परिषद के आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में लगभग 68% उपस्थिति दर्ज की गई। बता दें, 6 चरणों की इस भर्ती परीक्षा में अब तक कुल 59 अभ्यर्थियों को कदाचार के आरोप में पकड़ा गया है। 6 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 6 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा भागलपुर में IGIMS के आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, जहां एक अत्याधुनिक 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्थापित किया गया है। इसके बाद वे गया जाएंगे, जहां मगध मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरे की तैयारी में बिहार में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के आगमन को लेकर सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। पूर्व MNC मनोरमा देवी और उनके पुत्र रॉकी यादव को मिली जान से मारने की धमकी। बिहार में पूर्व MLC मनोरमा देवी और उनके पुत्र रॉकी यादव को जान से मारने की धमकी देने वाला एक पत्र मिला है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। इस धमकी भरे पत्र में लिखा गया है कि बड़ा धमाका होगा, सब गतिविधियों पर नजर है। ये पत्र पटना GPO से स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया है और इसमें राजेंद्र नगर के सुशील कुमार का नाम पता में लिखा गया है। पुलिस को इस पत्र के पीछे किसी गिरोह की संलिप्तता की आशंका है। रामपुर थाना अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि इस धमकी भरे पत्र को लेकर पूर्व MLC की ओर से प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और मामले की गहन जाँच की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। बंगाल बंद मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने भाजपा को घेरा। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की घटना ने देश भर में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। इसी के संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शासन व्यवस्था पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के तहत दुष्कर्म की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। इसके साथ ही उन्होंने BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के बयान पर भी पलटवार किया और सवाल उठाया कि बालिका गृह में क्या हुआ था, जहां भाजपा के लोग शासन में थे। साथ ही ये भी सवाल उठाया कि क्या भाजपा को अपने ही पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। विराट कोहली एक बार फिर AI का हुए शिकार। टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली फिर से AI का शिकार बने। उनका डीप फेक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। कोहली की जिस क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है, वे एक पुराने इंटरव्यू की बताई जा रही है। इस वीडियो में कोहली को शुभमन गिल पर भड़ास निकालते हुए देखा जा सकता है। विराट कोहली ने इस वीडियो में यह भी कहा है कि भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद उनका स्थान आता है और गिल को वहां तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। कोहली का कहना है कि उन्होंने सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना किया और एक दशक से ज्यादा समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। बता दें, जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वे एक फर्जी है जो कि AI के जरिए बनाया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है, उनके नाम है राजकिशोर महतो, सपना कुमारी, गुनर शर्मा, रंजीत शर्मा, खंडील खोस, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, हीरा नंदन दास, पशुपति पांडे, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, संजीव कुमार, राजन कुमार, रवि कुमार राम, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सोशल मीडिया का आपके जीवन पर क्या असर पड़ा है? इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।